वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेजी अनक बारे में बताना चाहूंगा। रेजी अनक 2010 से इंडिया में काम कर रही है और यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल 160 से ज्यादा गेम्स खेल के करोड़ों रुपए जीतते हुए नजर आ सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पे ऑपरेट होता है और यहाँ पे आपको 24/7 विड्रॉल मिल जाता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन की आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, तो नीचे कमेंट हुए पिन से यहाँ पे इनके टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर करें। सो आईपीएल 2021 के तरह आईपीएल 2022 में भी मजर आने लगा है कोविड का साया। हाँ गाइस, यहाँ पे बात किया तो जैसे पिछले साल कोविड आउटब्रेक हुआ था, इस साल भी कोरोना का खतरा मजर आने लगा है क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में अब कोविड पाए जाने लगे हैं। और अब फाइनली बात करने वाले हैं कि आखिर दूसरे टीमों से भी क्या लिंक है, क्या आईपीएल फिर से बाहर होने वाला है, पोस्टपोन्ड होने वाला है, सस्पेंड होने वाला है। पूरे डिटेल के साथ सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दिया। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कोविड केस आया कहां पे। सो भाई, जो कोरोना का केस आया वो दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से निकल के आ रहा है। काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि दिल्ली कैपिटल्स में जो कि अभी फिलहाल में जो रैपिड टेस्ट हुआ था वहां पे ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मिचेल मार्श कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हाँ गाइस, कोविड पॉजिटिव ये पाए गए हैं। और गाइस, इस समय अगर बात करें तो कोरोना इंडिया में जितना तेज नहीं फैल रहा है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि अभी फिलहाल अभी एक ही हफ्ता हुआ है मिचेल मार्श को इनके कैंप से जुड़े हुए, यानी इनके अंदर जो सिम्टम्स थे वो पहले से ही पाए जा रहे थे, लेकिन उस समय उतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। अब यहाँ पे जब रैपिड टेस्ट हुआ तो यहाँ पे साफ साफ इनमें कोविड पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले इनके दो सपोर्टिंग स्टाफ भी पहले से क्वारंटीन है, ये कोविड पॉजिटिव थे। और यहाँ पे अब फाइनली ये भी क्लियर हो चुका है कि मिचेल मार्श भी कोविड पॉजिटिव है। लेकिन ये सब चीजें जानने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने एक अपने दिमाग वाले काम चलाया। इन्होंने सीधा बीसीसीआई से संपर्क किया और गाइस बीसीसीआई ने सीधा इनका जो कि आज का ट्रिप था, जो कि मुंबई से पुणे जाने वाले थे 20 तारीख का मुकाबला खेलने के लिए, उसे रद्द कर दिया गया है। हाँ गाइस, आज के लिए इनका ट्रैवलिंग पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और सभी खिलाड़ियों को और साथ में सभी सपोर्टिंग स्टाफ को क्वारंटीन में डाल दिया गया है। हाँ गाइस, सभी खिलाड़ी और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है 24 घंटे के लिए क्वारंटीन जाने वाले हैं। और 24 घंटे के बाद जैसे ही क्वारंटीन के ये बाहर आएंगे, सबसे पहले इनका पीटीआर टेस्ट होगा। और गाइस, वहां पे अगर ये पॉजिटिव फिर से पाए जाते हैं तो इनका जो कि परसों का मुकाबला है उसे रद्द कर दिया जाएगा। हाँ गाइस, परसों का मुकाबला रीशेड्यूल होगा क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी फिर से पॉजिटिव पाया जाता है और बाकी खिलाड़ी भी अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मैचेस को नहीं कन्वर्ट करवाया जाएगा। सो गाइस, इसलिए यहां पे बात किया तो कल का टेस्ट काफी ना इंपॉर्टेंट है सभी दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए और साथ में आईपीएल के फैंस को भी जानना काफी ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके का कोविड आउटब्रेक होता है तब यहां पे दूसरे टीमों में भी सिम्टम्स पाए जाएंगे। हालांकि बात यह है कि पिछले बार जब सभी एक ही बबल में था तो काफी ना बस्ट की हो जा रहा था, तो इसको ये सभी खिलाड़ियों को यहां पे दिक्कत हुआ था। लेकिन अब जितने टीमें हैं सभी को अपना अपना पूरा बायो बबल दिया गया, तो यहाँ पे उतनी बड़ी बात नहीं है। सभी खिलाड़ी अपने होटल्स में चले जा रहे हैं तो उसके लिए भी कोई जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे पीटीआर टेस्ट और साथ में सभी टीमों के अब 10 के 10 टीमों का यहाँ पे अब चेकअप हो रहा है, सभी चीजें यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक तरीके से जो कि डर का माहौल है वो बन चुका है। लेकिन बात किया जाए मैचेस का तो बीसीसीआई का साफ साफ कहना है कि ये मैचेस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसा मुकाबला चल रहा है उसी तरीके से चलवाया जाएगा क्योंकि सभी खिलाड़ी वैक्सीनेटेड है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सो भाई, एक तरीके से खुशखबरी है कि खिलाड़ी वैक्सीनेटेड हैं, सुपर डोज भी लगवा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है और जल्दी हमें आईपीएल देखने को उसी तरीके का फिर से मिलने वाला है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स के मैच में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हो सकता है मैचेस को कंटिन्यू ना कराया जाए, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन आज के लिए अभी फिलहाल बात करें तो सभी टीमें बिल्कुल स्वस्थ हैं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी क्वारंटीन चली गई है। और जैसी भी खबरें आएंगी टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको चीजें मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं।